कौवे का सौभाग्य। एक जंगल में एक कौवा अकेला ही पेड़ पर रहता था। वह बहुत चतुर होने के बावजूद बाकी के जानवरों से काले होने पर हमेशा दुखी होता था। सुंदर ना होने के कारण से वह कहीं बाहर जाता ही नहीं था। कभी कभी एक बार बाकी के पक्षियों के साथ पूरा जंगल घूमने आता था। ऐसे एक बार जंगल के नदी में कौवे ने आराम से सैर कर रहे हंस को देखा। उसके पास जाकर कहा, गोरी गोरी कितनी सुंदर हो तुम, तुम्हारे जितना कुछ तो और कोई पक्षी भी नहीं होगा, और एक मैं हूँ जो क्यों हूँ पता नहीं, छी छी करके अपने आप को कोसता रहा। मैं भी ऐसे ही सोचती थी और अपने आप पर गर्व करती थी, लेकिन तोते को देख मेरी राय बदल गई। मैं गलत थी, मैं तो एक ही रंग में होती हूँ, लेकिन वो तो हरा और लाल दोनों रंगों में रहता है, बहुत सुंदर। हंस ने उदास होते हुए बोला। उसके बाद तुरंत कौवा पेड़ के ऊपर रहने वाली तोते के पास गया। हंस के कही हुई सारी बातें तोते से कहा। हंस का कहना सही है, मैं अपने रंगों को देख बहुत खुश होती थी पहले, लेकिन मोर को देखने के बाद सुंदरता होते क्या है ये समझ आ गया। मेरे तो सिर्फ दो ही रंग हैं, लेकिन उस मोर के न जाने कितने रंग हैं। बोला तोता जलती हुई। तुरंत मोर से मिलकर कौवा ये सारी बातें कहना चाहता था। पूरा जंगल घूमा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं दिखी। जान पहचान वालों से पूछने पर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक बार वह कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, तब जू में मोर दिखी। उसके पास जाकर कहा, सारे पक्षियों में अगर कोई सुंदर है तो वो तुम हो, सबको तुम बहुत पसंद हो, करके बोलते हुए और चार बातें बोलकर उसे तारीफों में डुबा दिया। कौवे की सारी बातें सुनकर मोर उदास होता हुआ कहा, मेरी सुंदरता के कारण ही मैं यहाँ बंद पड़ी हूँ, जंगल में रहने तक शिकारियों से डरी हूँ और ऐसे ही छुपता हुआ घूमना पड़ा, फिर भी आखिर में उनके हाथ में फंस ही गई और इस जू में अटक गई। इधर आकर लगा कि कौवे से अच्छी स्वेच्छ और स्वतंत्रता जीव है ही नहीं, इधर ज्यादातर सारे पक्षियों को बंदी बना कर रखा, लेकिन सिर्फ तुम कौवे के सिवा। अगर मैं भी कौवा होता ना तो तुम्हारे जैसे बहुत ही स्वतंत्रता से घूमती थी, बोलकर लगभग रोते हुए कहा मोर। जू में बंदी रहे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को देख तुरंत वहाँ से उड़ गया। तब से बाकी के पक्षियों से तुलना ना करते हुए कौवा आराम से जीने लगा। इस कहानी की नीति है कि हमें हमेशा ना किसी से तुलना करते हुए खुशी से जीना चाहिए। कबूतर और चींटियों की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक चींटियों का टील था। वह टील बहुत सारे चींटियों का घर था। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास हर रोज एक कबूतर आता था। ऐसे आगे चलते चलते कबूतर की अच्छाई जानकर चींटियां उससे दोस्ती करने लगे। उसके बाद उसी नदी के पास एक कौवा भी आने लगा। चींटियां और कबूतर मिलजुल कर खेलना देख, दोस्तों मैं अकेला हूँ, उस कबूतर की तरह मुझसे भी दोस्ती करो ना, कौवे ने पूछा। उस कौवे की बुराई जानते हुए कुछ चींटियां तो उससे दोस्ती करने के लिए मना कर दिया, और कुछ चींटियां तो कबूतर के जैसे ही उसे भी शामिल करने की जिद पर बैठ गए। इससे बात बढ़ गई और चींटियां दो वर्गों में अलग हो गए। एक चींटियों का वर्ग कबूतर के साथ मिलजुल कर रहता था, तो दूसरी चींटियों का वर्ग कौवे से खेलता था। ऐसे कुछ समय बीत गया। उस साल अच्छी बारिश हुई, नदियाँ कुएं सारे भर के बाढ़ आने को था और चींटियों के टील के पास की नदी में भी पूरा पानी भर गए।
बारिश अभी भी नहीं रुक रही थी और दिन ब दिन नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे चलते तो उनके टील नदी में डूब जाएगा। वे सारे चींटियां पानी में डूब जाएंगे करके डरने लगे। टील के पास ही रहने वाला कौवा अपनी वर्ग की चींटियां ना डरे करके पता नहीं क्या क्या बातें बना रहा था। उसके बाद उधर आई हुई कबूतर चींटियों को परेशान देख पूछा, क्या हुआ दोस्तों, हर रोज की तरह गाते खेलते उछलते खुश क्यों नहीं हो? क्या हुआ, क्यों ऐसे परेशान हो? अब क्या बताएं यार, हम बहुत छोटे प्राणी हैं ना, हमें ही सारे कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं। इस नदी में पानी भर कर बाहर आया तो हमें खतरा है, हमारा घर पानी में बिखर जाएगा, हम सब डूब जाएंगे और लगता है कि वह खतरा उतनी दूर नहीं। बोलकर अपने दुख बताए कबूतर से मिलकर रहने वाले चींटियां। अच्छा, तो इधर से कहीं दूर जाना अच्छा है ना? हाँ, दूर कहाँ जाए, कैसे जाए, हमारे रिश्तेदार तो नदी के उस पार रहते हैं, लेकिन क्या उस पार हम जा पाएंगे? बोलते हुए डरने लगे। तुरंत कबूतर को एक उपाय सूझी, परेशान ना हो, मैं तुम लोगों को उस पार ले जाऊंगा, तुम सब जल्दी आकर मेरे पेट पर चढ़ो। बोलते हुए कबूतर टील के पास जमीन पर बैठ गया। उसके वर्ग की चींटियां कबूतर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कबूतर धीरे से बहुत ही ध्यान से उड़ता हुआ नदी के उस पार ले गया। कहीं दूर रहने वाले चींटियों के रिश्तेदार को ढूंढ कर उन्हें उधर पहुंचाया। अपने वर्ग के चींटियों को अपने ऊपर चढ़ा के नदी को पार करना होगा करके कौवे ने कहा, मैं भी कबूतर जैसे तुम लोगों को उस पार उठा के ले जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे कमर में दर्द है ना, तो तुम लोगों को नहीं ले जा पाऊंगा, चलता हूँ दोस्तों। बोलता हुआ उन्हें खतरे में छोड़कर उड़ गया कौवा। कबूतर फिर से पीछे आकर देखा तो पानी में टील डूब गया था। कौवे के वर्ग की चींटियां बाजू के पत्ते के सहारे से प्राण बचा रहे थे और देर ना करते हुए उन्हें भी अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार ले गया। दुष्ट कौवे से दोस्ती करना कितनी बड़ी गलती थी जानकर वह चींटियां कबूतर के की हुई मदद के लिए धन्यवाद किए। इस कहानी की सीख है कि अच्छे लोगों से दोस्ती हमें खतरों से बचाता है। स्वार्थी तोते की कहानी। एक जंगल था, सावन के मौसम पर वह जंगल और भी हरा भरा और घना बन गया। एक तोता भी बहुत दूर से उड़ती हुई आकर एक बड़े पेड़ पे घोंसला बनाई। वह पूरा जंगल घूमकर खाना कमाकर फिर से वापस अपने घर पहुंचकर आराम से खाती थी। जब भी फुर्सत मिले तब अपने मीठे मीठे बातों से उस पेड़ से गपशप करती। आगे आगे वह तोता और पेड़ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे कुछ समय बीत गया, फिर पत्तों के झड़ने का समय आ ही गया। इससे यह बड़े पेड़ के सारे पत्ते झड़ने पर पेड़ पूरा खराब हो गया। तोता उस पेड़ के पत्तों को झड़ना और आसपास के प्रांत के सूखने पर बहुत उदास हुई। एक दिन सुबह उधर से उड़कर कहीं अच्छी हरी भरी फूलों से भरा होने वाली जगह पर जाने का निर्णय किया। अपनी दोस्त तोते को जाते हुए देख उस बड़े पेड़ ने कहा, दोस्त कहाँ जा रही हो, मेरे हरा भरा होने पर तुम्हें जगा दिया और अब तुम मेरे झड़ने पर मुझे छोड़ जाओगी? फिर से सावन का मौसम आते ही मैं हरा भरा बन जाऊंगा ना, यही रह जाओ, अच्छी अच्छी गपशप करते हुए खुश रहेंगे। तो तोते ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, पत्तों के ना झड़ने वाले पेड़ आसपास की सुंदर सी जगहों में जाने की सोच रही हूँ। ऐसे उस पेड़ के इतना समझाने पर भी बिना सुने तोता वहाँ से चली गई। खुद के झड़ने से ज्यादा अपनी दोस्त को छोड़ जाने पर पेड़ बहुत उदास हुआ और फिर पूरी तरह से झड़कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा।
उसके बाद आने वाले सावन के मौसम में उस जंगल में सारे पेड़ हरा भरा और सुंदर होने पर भी एक भी पेड़ ने उस तोते को आश्रय नहीं दी। इस कहानी की नीति है कि पेड़ दोस्त को छोड़ जाने वाली तोते की तरह नहीं, बल्कि सुख दुखों में साथ निभाने वाले ही सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं।